महादेव नमः। आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम लोग संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग संज्ञा कुछ प्रमुख संस्कृत संज्ञाएं पर बात कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आज सवर्ण संज्ञा और प्रग्रह संज्ञा पर बात करेंगे। तो या जो संस्कृत व्याकरण का वो प्रत्येक संस्कृत कंपिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सामान्य लोग भी इसे जान सकते हैं। तो आइए चलते हैं, सवर्ण संज्ञा क्या है और प्रग्रह संज्ञा क्या है, इस विषय पर हम बात करें। स्लाइड में आपको दिख रहा होगा सवर्ण संज्ञा, ये पांचवें नंबर का संज्ञा सूत्र हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सवर्ण संज्ञा का सूत्र है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात तुल्य आस्य प्रयत्नम सवर्णम, मतलब इसकी तुल्य हो अर्थात जो समान हो, आस्य मतलब ऊंचाई स्थान और प्रयत्न मतलब प्रयत्न अर्थात चेष्टा, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न समान हो उन्हें सवर्ण संज्ञा कहते हैं। अब प्रश्न उठा, प्रयत्न मतलब, प्रयत्न तो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक अभ्यंतर प्रयत्न बाह्य प्रयत्न। तो ये कहते हैं कि जिन वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न और उच्चारण स्थान समान उन्हें सवर्ण संज्ञा कहते हैं। तो प्रयत्न हमारे यहाँ दो प्रकार के होते हैं, ये प्रयत्न दो प्रकार के हैं, एक अभ्यंतर है, अभ्यंतर है और दूसरा क्या है, बाह्य प्रयत्न। तो यहाँ पर किस प्रयत्न की समानता की बात कर रहे हैं, तो आगे बता रहे हैं कि अभ्यंतर प्रयत्न, कौन सा प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, ये अभ्यंतर प्रयत्न। अर्थात कुल मिला कैसे समझें, जिन वर्णों के उच्चारण स्थान, जो हमारे पाणिनि शिक्षा में जो आठ उच्चारण स्थान बताए गए उनमें से एक उच्चारण स्थान होना चाहिए, और दूसरा अभ्यंतर प्रयत्न अर्थात जिन वर्णों का उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो, दोनों एक जैसे हैं, वे वर्ण आपस में सवर्णीय होते हैं। और सूत्र आप देख ले ही, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, अर्थात जिन दो वर्णों का उच्चारण स्थान और प्रयत्न और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो उन्हें सवर्ण संज्ञा कहते हैं। पदच्छेद दिया गया है तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, फिर आगे सूत्रार्थ है कि जिन दो वर्णों, दो या दो से अधिक वर्णों के कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान तथा अभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान हो वे परस्पर सवर्णी सवर्ण संज्ञा होते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि आ आ, अब देखिए हम लोग जब उच्चारण स्थान में पहला उच्चारण स्थान पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं ना, अकोह विसर्जनीय नाम कंठा, अर्थात आ आ जो 18 प्रकार के हैं सारे, इनका उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये कंठ हो गया। अब उसके बाद आइए अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न पांच होते हैं, आपको पता ही होगा, विवृत्त स्वराणाम अर्थात सभी स्वरों का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत्त होता है, विवृत्त। और यहाँ देखिए आ का भी उच्चारण स्थान विवृत्त है, इसलिए आपस में आ आ सवर्णीय। इसी तरह ई ई में इनका उच्चारण स्थान अभ्यंतर प्रयत्न तो विवृत्त होता ही, और उच्चारण स्थान तालु है, स्टुएसानाम तालु, इसलिए ये भी सवर्णीय है। इसी तरह दो अभ्यंतर प्रयत्न ऊ का अभ्यंतर प्रयत्न विवृत्त होता है और उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, इसलिए दोनों आपस में सवर्णीय है। इस प्रकार इसीलिए जब हम दीर्घ संधि पढ़ते हैं तो वहाँ कहते हैं कि अकह सवर्ण दीर्घ, अर्थात अक प्रत्याहार यदि सवर्णी अक आए तो दीर्घ हो जाए। तो उसी में हम लोगों ने रमा प्लस अपि रमापि मुनि प्लस सीता मुनिषा और भानु प्लस उद्या भानुद्या पढ़ा था। आगे देखते हैं, एक खास बात यहाँ जान लें, सवर्ण संज्ञा ऐसा नहीं कि सवर्ण संज्ञा केवल व्यंजन का भी हो सकता। मान लीजिए ऐसा कोई कंडीशन बने कि व्यंजन हो, व्यंजन वर्ण हो और उसका व्यंजन वर्ण हो और वो वहाँ पर सॉरी स्वर और व्यंजन हो और दोनों के उच्चारण स्थान और अभ्यंतर प्रयत्न समान हो तो आपस में सवर्णीय नहीं हो सकते। इसी बात को उन्होंने ये कहा है, लिखा है कि ये देखिए ये पॉइंट, देखिए लिखा है कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न का साम्य होने पर भी, ये देखिए ये वाला कि उच्चारण स्थान और प्रयत्न का साम्य होने पर भी स्वर और व्यंजन की परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। नाद झलो कहते हैं, ये वार्तिक है, बोलते हैं नाद झलो, लेकिन ये झल अर्थात हल प्रत्याहार में ऐसा विधान नहीं है कि कोई हल प्रत्याहार का यदि अभ्यंतर प्रयत्न भी समान मिल जाए और उच्चारण स्थान भी समान मिल जाए लेकिन वो आपस में सवर्णीय नहीं होंगे।
आपस में स्वरणीय नहीं होंगे। इतना बात आप ध्यान रखें कि व्यंजन और स्वर आपस में स्वरणीय नहीं हो सकते। यथा जैसे दंड प्लस हस्था दंडास्था, दधि प्रसीतम दधि प्रसीतम दधि सीतम। और एक पॉइंट इन्होंने एक वार्तिक और लिखा है कि वाक्य रूप से यदि सवर्ण संज्ञा कहें तो तुल्यास प्रथम सवर्णम से, यंता ऊंचा स्थान और अभ्यंत प्रत्य समान होता है, वही सवर्णीय होते हैं। लेकिन रीली सवर्णियो मिथा सवर्णियम वाच्यम, ये कहता है इस वार्तिक से रीली वर्णियो अर्थात रीली वर्ण का मिथा सवर्णियम वाच्यम, मतलब विकल्प से सवर्णीय कहना चाहिए। कहने का अभिप्राय है कि री का उच्चारण स्थान मूर्धा है और ली का उच्चारण स्थान दंत है। इनका उच्चारण स्थान में भिन्नता है लेकिन अभ्यंत प्रत्यय समान ही है, विवृत्त हैं। इस आधार पर, इस मेन सूत्र के आधार पर, तुल्यास प्रथम सवर्णम के आधार पर इनकी आपस में सवर्ण संज्ञा नहीं होती। लेकिन ये जो आर्तिक है रिली सवर्णियो वाच्या, ये कहता है कि इनका भले उच्चारण स्थान समान ना हो लेकिन फिर भी इन्हें सवर्णीय कहना चाहिए। तो इस प्रकार रिली सवर्णीय संज्ञा वाले अक्षर हैं। अब आपसे पूछेगा कि सवर्ण संज्ञा का सूत्र क्या है, तो आप बताएंगे तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, ठीक है। और यहाँ प्रयत्न से क्या प्राय है, तो प्रयत्न से प्राय हमारा अभ्यंत प्रयत्न से है। इस प्रकार सवर्ण संज्ञा सूत्र संपन्न हुआ। अब अगला सूत्र आता है प्रग्रह संज्ञा, यहाँ भी देख लें। अब प्रग्रह संज्ञा का सूत्र है ईदु द्वैत द्विवचनम प्रग्रहम, ईदु द्वैत द्विवचनम प्रग्रहम। ये देखिए ईदु द्वैत द्विवचनम प्रग्रहम अर्थात ईत ऊत एत द्विवचनम प्रग्रहम, अर्थात यदि ईत आए अर्थात दीर्घ इकार हो, दीर्घ उकार ऊत आए दीर्घ उकार हो, एत आए और एकार हो, द्विवचन में हो, तो उनकी प्रग्रह संज्ञा होती है। ऐसा समझिए कि ईत ऊत एत द्विवचनम प्रग्रहम अर्थात ईत, देखिए ईत दो वचन में हो तो प्रग्रह संज्ञा होती है, ऊत दो वचन में हो तो प्रग्रह संज्ञा होती है, और एत द्विवचन में हो तो प्रग्रह संज्ञा होती है। सूत्रार्थ लिखा है कि द्विवचनांत ईकार उकार और एकार की प्रग्रह संज्ञा होती है। कहने का प्राय है कि यदि ये दो वचन में कोई ऐसा शब्द हो जो दो वचन में हो और इकार से अंत हो, उकार से अंत हो और एकार से अंत हो, तो उनकी प्रज्ञा संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण दिया कि हरि प्लस एतो, हरि एतो, यहाँ देखिए हरि में जो हरि हरि एतो है ना, तो हरि का रूप चलाएंगे हरि हरि हरिया, तो दो वचन में हरि बनता है और एतो के साथ है, इसलिए हरि शब्द की प्रज्ञा संज्ञा हुई। उसी तरह विष्णु 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 विष्णुवा, विष्णु भी दो वचन में है, दो वचनांत उकारा है, उकारांत शब्द है, इसलिए इसकी प्रज्ञा संज्ञा होती है। फिर गंगे, गंगे भी शब्द एकारांत दो वचन में है, इसलिए इसकी भी प्रज्ञा संज्ञा होगी। फिर आइए अग्नि इति, फिर अग्नि 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 शब्द भी इकारांत है और द्विवचन में, इसलिए इसकी प्रज्ञा संज्ञा। वायु भी उकारांत है दो वचन में है, इसलिए प्रज्ञा संज्ञा। माले भी एकारांत है द्विवचन में, इसलिए इसकी प्रज्ञा संज्ञा। पचेते भी एकारांत है दो वचन में, इसलिए इसकी प्रज्ञा संज्ञा। इस प्रकार प्रज्ञा संज्ञा का सूत्र होगा ईद उदो द्विवचनम प्रग्रहम, अर्थात ईद से अंत हो, दूध से अंत हो, एत से अंत हो और दो वचन में हो, तो उसकी प्रज्ञा संज्ञा होती है। तो आपसे पूछेगा प्रज्ञा करने वाला, प्रज्ञा संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है, तो आप बताएंगे ईद उद्वैत द्विवचनम प्रग्रहम, ईद उद्वैत द्विवचनम प्रग्रहम, ये सूत्र है। इस तरह इकार उकार और एकार से अंत होने वाले द्विवचनांत शब्दों को प्रग्रह संज्ञा कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये दो सवर्ण संज्ञा प्रग्रह संज्ञा समझ में आ गया होगा। सवर्ण संज्ञा को फिर से आप देख लें तो ऊपर है सवर्ण संज्ञा करने वाला सूत्र है तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम, तुल्यास प्रयत्नम सवर्णम। इस तरह इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है कि आपको सूत्र समझ में आए होंगे। शीघ्र नए विषय के साथ, नए संज्ञा सूत्र के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए।